हेलो फ्रेंड्स, मैं सुन लियो, आप देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन स्काई स्टडी। चलिए, सबका फिर से एक बार स्वागत है। और कुछ दिनों से कहीं ट्रैवलिंग की वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था, और जो मेरा पिछले क्विज का जो विनर रहा है वो है आपका राकेश कुमार दिनकर साहब, जिन्होंने सबसे ज़्यादा अधिक स्कोर किया है। उनका एड्रेस मांगा गया है, तो कृपया सर आप अपना एड्रेस जरूर सेंड करें यूट्यूब पर, ताकि हम आपको प्राइस सेंड कर सकें। अभी तक आपका एड्रेस नहीं मिला है। चलिए, पहला क्वेश्चन लेते हैं तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम से। तो पहला पार्ट होगा ये हमारा, लगातार अभ्यास के परिणाम स्वरूप नर्वस सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये पड़ता है आपका तंत्रिका तंत्र तत्पर हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, लगातार अभ्यास के कारण केंद्रीय नाड़ी संस्थान के सक्रिय होने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये पड़ता है आपका, मांसपेशियों का रिफ्लेक्शन टाइम घट जाता है। लगातार अभ्यास से केंद्रीय नाड़ी संस्थान के कार्यों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये पड़ता है आपका, खा होगा, अनावश्यक गतियों को नियंत्रित करना। लगातार अभ्यास से संपूर्ण शरीर के संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये पड़ता है आपका, संतुलन में वृद्धि होगा, सामान्य बात है। लगातार अभ्यास करने से मांसपेशियों की तंत्रिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये उपरोक्त सभी है आंसर। एक्शन पोटेंशियल में अत्यधिक सुधार होता है, तंत्रिकाओं का विकास होगा, तंत्रिकाओं के संवेगों में वृद्धि होगी। लगातार अभ्यास से सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मांसपेशियों जल्दी जल्दी संकुचित होती है। तो गा आंसर है इसका भी, कैल्शियम आयन की मात्रा। अभ्यास के कारण नाड़ियों के संवेग यानी इमोशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये नियंत्रण में रहता है, तो सभी फायदेमंद है अभ्यास। व्यायाम के दौरान तंत्रिका मांसपेशियों यानी युग्मन डेंड्राइट्स के मार्ग जहाँ से आवेगों का संचरण होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये पड़ता है, थकान उत्पन्न होगी। किसके परिणाम स्वरूप तंत्रिका मांसपेशी युग्मन पर तंत्रिका आवेगों के संचरण के कारण थकान देरी से होती है। तो का आंसर है ट्रेनिंग, जिसके द्वारा तंत्रिका मांसपेशी समन्वय में सुधार होता है, ट्रेनिंग के ही वजह से। तंत्रिका तंत्र द्वारा अभ्यास के माध्यम से खिलाड़ियों में किसका सुधार होता है। तो यह होता है आपका, सहनशीलता व प्रदर्शन में सुधार होता है। लगातार अभ्यास के परिणाम स्वरूप किसके उत्पादन में वृद्धि होती है। तो ख आंसर होगा, कैल्शियम और धनायन। लगातार व नियमित अभ्यास के परिणाम स्वरूप तंत्रिका से तंत्रिका युग्मन पर समन्वय में क्या सुधार होता है। तो खा आंसर हो जाएगा, तंत्रिका में आवेगों व उत्तेजना में कमी। लगातार अभ्यास से रक्त की मात्रा पर किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा। तो ये हो जाता है आपका, रक्त बढ़ जाता है। ट्रेनिंग एवं व्यायाम से खिलाड़ी के मस्तिष्क की जो है स्मृति क्षमता व स्वास्थ्यता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो का होगा आंसर, बढ़ना यानी कि बढ़ेगा। दिमाग का वह कौन सा भाग होता है जो भूख लगने व भोजन से संतुष्टि का अनुभव कराने के केंद्र स्थित होते हैं। तो आंसर है मेडुला ओब्लागांटा में, हमारे मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। तो खा आंसर है, सेरेब्रम को ही कहा जाता है बुद्धि का केंद्र। हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो गा आंसर है, प्रमस्तिष्क कहा जाता है। वह कौन सी कोशिकाएं होती हैं जो 1 फुट लंबी हो सकती हैं। तो खा आंसर है, तंत्रिका कोशिका ही होता है, ऑप्टिक तंत्रिका होती है। तो खा आंसर इसका भी है, द्वितीय कपाल तंत्रिका को कहा जाता है ऑप्टिक तंत्रिका। पेशीय समन्वय किस भाग द्वारा जो है भाग द्वारा होता है। तो 21 का आंसर होगा ग, सेरिबेलम। कौन सी तंत्रिका सूंघने से संबंधित है। तो का आंसर है, प्रथम। मेरुरज्जु की गुहा कहलाती है। तो 23 का आंसर है घ, न्यूरोसिल। कशेरुकियों में प्रतिवर्ती क्रिया किस में प्रदर्शित होती है। तो ख आंसर है इसका, स्वायत्त प्रतिक्रिया। प्रकाश की संवेदना का तंत्रिका आवेग में परिवर्तन होता है। तो घ आंसर हो जाएगा, रासायनिक प्रक्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो घ है इसका, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका ऊतक का कार्य है।
ग आंसर है प्रतिक्रिया। कर्ण से संवेदना का संवहन किस कपाल तंत्रिका द्वारा होता है? तो घ आंसर इसका भी हो जाएगा आपका कोक्लियर। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र किस क्रिया को बढ़ा देता है? का आंसर है हृदय लेक्राइमल ग्रंथि अग्नाशय। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन सत्य जो है का आंसर होगा आपका मेरुरज्जु से सभी चालक तंत्रिका अधर मूल द्वारा निकलती है, सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। तो ये गलत है। सभी कशेरुकियों में लाल रुधिराणु केंद्रित होते हैं, तो ये भी गलत है। सभी कशेरुकियों का मूल समान जो है समान होता है मूत्र, तो ये भी आपका गलत है। चलिए आज का क्विज नोट कर लीजिए। पार्श्व वेंट्रिकल कहाँ होता है? तो पार्श्व वेंट्रिकल जो है आपका चार ऑप्शन देख लीजिएगा। जब हृदय को जाने वाली परानुकंपी प्रेरक तंत्रिका काट दी जाती है तो हृदय स्पंदन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसको भी देख लीजिए, ऑप्शन घटेगा बढ़ेगा या क्या होगा। हृदय की अनुकंपी तंत्रिका में संवेदना देने पर यह हृदय को उत्प्रेरित करती है। तो चलिए ऑप्शन देख लीजिए। यदि वेगस तंत्रिका द्वारा हृदय को प्रेरित किया जाए तो हृदय स्पंदन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका भी देख लीजिएगा ऑप्शन। और चलिए आज पांच ही क्वेश्चन। रुधिर में एसिटाइल कोलिन पहुंचाने पर हृदय स्पंदन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा? तो ये आज के पांच क्विज है, केवल पांच क्विज दे रहा हूँ और ये आज से फिर से काउंट होगा 1 महीने तक के लिए। और सबको धन्यवाद, और सभी चाहता हूँ कि सभी कमेंट करें, पूरे पांचों का सही आंसर दें और लिखें, टाइप करें पूरा आंसर ताकि आपको याद रहे हमेशा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।